सीधे तौर पे कहूं अपने दल की ओर से कि ये जो कहा जा रहा जो भी राज्यसभा में दो दिनों में बीते दो दिनों में हुआ वो अशोभनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, संसदीय इतिहास में यूं नहीं हुआ। लेकिन टेबल पे चढ़ जाना और विरोध के तौर तरीकों को लेकर के आपकी आपत्ति हो सकती है, और जाहिर है तमाम सदस्यों ने भी कहा, जो खुद शामिल थे उन्होंने भी कहा कि ऐसा क्यों हुआ, उसकी पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। आप संसदीय लोकतंत्र में एक बुलडोजर की तरह चाह रहे हैं कि विपक्ष को खारिज करके एक जन विरोधी किसान विरोधी बिल को पास कराया जाए। किसान तय कर लेगा कि उसके पक्ष में है या नहीं। अगर उनको पता होता कि उनके पक्ष में है तो हरियाणा पंजाब में किसान सड़कों पर नहीं होते। तो सीधा संदेश है, प्रधानमंत्री जी यही बात कहते थे भूमि अधिग्रहण बिल के दौरान कि आपको गुमराह किया जा रहा है। कोई गुमराह नहीं कर सकता किसी को। मैंने सदन में कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपने तो राहें घूम कर दी तो कोई गुमराह क्या करेगा। भूमि अधिग्रहण बिल का जो हश हुआ था वो इसका होना है, क्योंकि हम अपने खेतीहर समाज को शार्क के मुंह में जाते हुए देखना कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये साफ संदेश होना चाहिए, बाकी सारी बातें अपनी जगह। वॉज ए कैलकुलेटेड मूव बाई बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर हिज विजिट टू द agitating members, to the members who are on strike, immediately after that the Prime Minister had come up with a tweet saying explaining the benevolence of the Deputy Chairman, who himself had declared that he is going for a one day hunger against the MBs who were suspended. It is very clear why all these things. You just correlate all these things because the BJP and its ally JDS, they had alienated from the people. Bihar elections are yet to come, it is at hand. So they know that in the election they are going to lose because of this particular three interconian laws. ये आठ लोगों को ये संसद का जो बाकी जो दिन है रिमेनिंग पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया, और उसके खिलाफ में हम लोग साढ़े आठ MP हम लोग सीट इन डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग धरना में बैठ गया। लगभग 24 आवर्स हम लोग ने धरना किया, और आज जब हाउस हुआ तब हमारा जो लीडर ऑफ द अपोजिशन गुलाम नबी आजाद जी ने फिर हाउस में ये मुद्दा उठाया, और तीन मुद्दा उन्होंने उठाया। ये एक तो है जो स्वामीनाथन कमिटी का जो रिकमेंडेशन है उसी का आधार में ये MSP फिक्स होना चाहिए, और दूसरा ये बिल से और एक नया बिल लेने के लिए मांग किया, जिसमें ये जो किसान का ये पूंजीपति लोगों ने किसान का ऊपर जो अन्याय हुआ है इसको अन्याय होने नहीं देगा, इसको पूरा गवर्नमेंट ने एंश्योर करेगा कुछ किसान का इंटरेस्ट। और तीसरा है ये जो आठ MP को सस्पेंड किया है इसका सस्पेंशन वापस लेना है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका कोई भी एक ये डिमांड मानने के लिए तैयार नहीं था। तो तब हमारा सारा ऑपोजिशन पार्टी ने ये फैसला लिया जब तब संसद में प्रेजेंट होने का कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पस सर्व नहीं करेगा जब ऑपोजिशन का कोई बात नहीं सुनता है वो लोग। तो इसीलिए हमारा सारे ऑपोजिशन बाइकोट किया है रिमेनिंग सेशन। द सिचुएशन इन द राज्यसभा फॉर द लास्ट टू डेज इज वेरी डिस्टर्बिंग। द मेंबर्स आर नॉट गिवन देयर फ्रीडम टू स्पीक ऑन द बिल, देयर फंडामेंटल ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज टू आस्क फॉर डिविजन ऑन अ बिल। द प्रेजेंट्स बिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल विच विल हैव अ ट्रिमेंडस इम्पैक्ट इन इंडियन इकोनॉमी and particularly to the peasants' life. They are sought to be exposed to the open market, and there will be uneven and unequal bargaining. Unequal bargaining power would ultimately lead the peasants to
absolute situation of seclusion and absolute situation of deprivation. We wanted to discuss on the issue. The bill ought to have been referred to the standing committee for a better discussion, which was refused. Division was asked for, which was refused. Ultimately, the members went up to the well, wanted to bring it to the notice of the chairman that the rules would provide for discussion and division. The chairman was absolutely undaunted, and he had solidly in favor of this unreasonable decision of the government to support the bill. He was in hurry to get the bill passed. The resultant effect was the draconian step of suspension of 8 honorable members of the House. We have been protesting this suspension too. Today, the leader of opposition, he had spoken about it. He has asked for withdrawal of the bill. He had asked for definite legal and statutory sanction to the minimum support price for the peasants, which was also not sought to be given. And the chairman was not willing to recall the order of suspension. Therefore, we had to go for a boycott for the entire session. The question is, can the chair ignore a demand for voting? Voting means the division, actual voting in the House. The other is voice vote. Whether the chair can ignore a demand from members for a voting in the House, I would say chair has no authority, no power to ignore a demand from the members for an actual voting in the House. He has to, under the rules, he has to. The reason is that under Article 100 of the Constitution of India, the issue that is before the House, any question that is before the House, is decided by a majority of the members present and voting. Now, as you know, the majority can be decided. Majority is a very precise thing. Majority in terms of number. Otherwise, you cannot decide majority. Majority has no other meaning. Majority has to be decided in terms of the number. So that is determined by voting in the House. That is what the Constitution says. So Constitution is very clear. But the practice of voice vote is followed in all the legislatures when there is a presumption that the government has majority, it is okay. So we can pass it by voice vote. But if there is a controversy and if there is a demand from the members that there should be a voting in the House, then the chair cannot ignore that and the chair has to proceed to conduct the voting in the House. Thank you.